हेलो, मैं हूं अमित भारद्वाज और IDT के जो एलुमनाई सीरीज है उसके एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एलुमनाई सीरीज एक शुरुआत है ऐसे डिजाइनर्स, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। एलुमनाई सीरीज के अंतर्गत हम आपको ये बताते हैं कि अगर इस फील्ड से जुड़े हुए और पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर IDT के, उन्होंने क्या अचीव किया है, जिससे एक जो नए डिजाइनर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करे, एक इंस्पिरेशन का काम करे। तो आज के इस नए एपिसोड में आज मैं स्वागत करूंगा ऐसे गेस्ट का जो एक काफ़ी डायनेमिक, एक अच्छी पर्सनालिटी और एक यंग डिजाइनर है, मिस्टर मयूर पाटिल। मयूर जी, आपका स्वागत है इस एलुमनाई सीरीज के एक नए एपिसोड में। और हम आज बात करेंगे आपके जर्नी के बारे में, आपने जो अचीव किया है, आपका जो सक्सेस स्टोरी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तो मयूर जी, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, जब IDT के पहले जब आपने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया था और उसके बाद तो एक कंप्लीट जर्नी आपने किस तरीके से इसको पूरा किया है और अभी निरंतर आप करते जा रहे हैं। बताना इस तरह चाहूँगा सर कि मेरे फादर्स तो एक ड्राइवर थे, एक ड्राइवर के घर से बिलोंग करता था, तो कलर टैक्स में ड्राइवर थे पिताजी, तो हमारी परिस्थिति बहुत वीक थी। तो मैं एक टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइनिंग का था, हाइलाइटर्स का, वहाँ जॉब करता था। वहाँ से निकल के मैंने सोचा कि इससे बेटर मैं और कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने IDT ज्वाइन किया। IDT में क्योंकि मेरा पहले से ही स्केच वगैरह बहुत अच्छा ही था, तो मैंने IDT ज्वाइन करना चाहा क्योंकि मुझे एक अपने खुद के दम पे कुछ करना था। IDT मैंने ज्वाइन करने के बाद वहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा अचीव किया, और वहाँ से जो अचीव करने के बाद जो शो वगैरह होते थे IDT के थ्रू, उसमें भी अच्छे रैंक से आता था। तो अनुपम सर जी ने रिकमेंड किया और IDT ने रिकमेंड किया, तो IDT के थ्रू मैंने एक तनिष्क का डिजाइनर्स में इंटरव्यू दिया, वहाँ के जो कपिल मित्तल जी है उनके अंडर में रहा मैं। अच्छा। साल डेढ़ साल उनके अंडर में रहा, सीखा मैंने। काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि डिजाइनिंग मतलब एक ही प्रकार की होती है, डिजाइनिंग बहुत प्रकार की होती है, उसमें अलग अलग दायरे आते हैं। तो मैंने उनके साथ रह के कलर मैचिंग से लेके डिजाइनिंग से लेके काफ़ी कुछ सीखा, उनके साथ बाहर भी घुमा, आउट भी गया, कहीं मुंबई, कहीं कलकत्ता, वहाँ घूमते घूमते मैंने अच्छा खासा अचीव किया। बाद में मैंने उनके यहाँ से निकल के अपना खुद का एक यूनिट डाला, मेरा दो मशीन से मैंने स्टार्टअप किया था। धीरे धीरे 2012 में मैंने स्टार्टअप किया, धीरे धीरे मैं दो का, तीन का, चार, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए, मेहनत करते हुए, अपने क्रिएशन का डेवलपिंग करते हुए। पहले मिक्सअप में काम होता था, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, फिर मैंने एक ही जगह पे फोकस किया, डिजाइनर ब्लाउजेस पे। ओके। डिजाइनर ब्लाउजेस पे जो मैंने फोकस किया तो वो चलते जा रहा था और अच्छा क्रिएशन, क्लाइंट्स को मेरा अच्छा क्रिएशन लग रहा था, तो उन्होंने पास करते गए, उसका मेरा प्रोडक्शन बढ़ते गया था। आज की डेट में मेरा एक वंशिका क्रिएशन के नाम से खुद की एक कंपनी है, वहाँ आज की डेट में भी एक 50 मेंबर्स का जो मेरा स्टाफ है वो आज भी चल रहा है, और मेरा पर डे का प्रोडक्शन 1000 पीस का प्रोडक्शन है। वंशिका क्रिएशन नाम, वंशिका क्रिएशन जो मेरी भांजी है, ओके, उसके नाम से मैंने रखा था। तो वंशिका क्रिएशन जो आज हम देख रहे हैं, वंशिका क्रिएशन, वो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस है, एक प्रोसीजर बोल सकते हैं जो जर्नी का, दिस इज योर डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको पहुँचना था। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने जो ये इस डेस्टिनेशन के बारे में, क्या आपने शुरुआत में ही एक इमेजिन कर लिया था, एक आपने गोल सेट कर लिया था कि नहीं मुझे ऐसा करना है? हाँ, गोल तो सेट करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ अगर पाना है, कुछ अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, तो गोल्स को तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, इनको करके दिखाना है, तो ही आप कर पाओगे। बाकी लाइन चेंजेस करके कोई मतलब नहीं है। और डिजाइनिंग जो फील्ड है उसमें भी एक गोल्स
ऐसा होता है कि अगर मेरी मास्टरी साड़ीज़ में है, लहंगे में है, तो वो एक ही ट्रैक पकड़ के चलो, आज ब्लाउज़ कर लिया, कल साड़ी कर लिया, लहंगा कर लिया, गाउन कर लिया, तो उसमें कोई सक्सेस नहीं होना है। फोकस करना है। मैं ब्लाउज़ में हूँ तो ब्लाउज़ में ही मुझे नया नया क्रिएशन ढूंढ के क्लाइंट्स के सामने, कस्टमर के सामने नया डेवलपिंग डालना है। ओके, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, घोड़ा को सरपट भगाना है तो दोनों तरफ उसके जो है ना आंखें का जो है ना वो बंद, हाँ, बंद करके रखो तो सीधा ही चलेगा, सीधा भागेगा, फोकस करेगा, हाँ, सीधा भागेगा, सीधा भागेगा, भागेगा, उसी तरह भागना पड़ता है। उसी तरह भागना पड़ता है। एक बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि आपको फोकस डिजाइनिंग फील्ड में आपको फोकस करना है, और फोकस करने से का एक और कारण है, अगर आप डिजाइनिंग का एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके, बहुत एलिमेंट्स है, एम्ब्रॉयडरीज है, हैंडवर्क्स है, और आपको उसके ऊपर किस चीज़ को फोकस करना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट आपको करना है। अदरवाइज क्या होगा, आप सब कुछ करना शुरू करोगे तो फिर आपकी एक्सपर्टाइज जो है ना वो लोग नहीं दिखेगी कि आप किस चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं। मार्केट को 100% छोटा करने की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में। फिर अगर एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो फिर आप बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं। राइट, जैसे आपने ब्लाउज के ऊपर कंसंट्रेट किया, अब आज वंशिका क्रिएशन अगर ब्लाउज को लेके एक नई, एक अच्छी कंपनी बन चुकी है, और आपने बताया कि एक मोनोपोली क्रिएट किया है ना, आज अगर किसी को डिजाइनर ब्लाउज में प्रोडक्शन लेना है तो पहले मेरा ही नाम रिकमेंड करेगा कि भाई डिजाइनर ब्लाउज में अगर कोई अच्छा क्रिएशन वाला यूनिट है तो वो अंची का क्रिएशन है। वेरी गुड, तो फिर मतलब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया है कि एक ब्लाउज पे फोकस किया, अब वंशिका क्रिएशन ब्रांड बन जाएगा, कलो कि आप दूसरे सेगमेंट पे भी आप अगर उतरते हैं, वंशिका क्रिएशन उतरती है तो लोगों को पता है कि हाँ ये क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, और वहाँ पे हमें वंशिका क्रिएशन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो शायद दूसरे प्रोडक्ट भी आपके वहाँ पे चलने लगे। बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताइए कि अगर यंग जो डिजाइनर्स हैं, राइट, जो आजकल काफी कोशिश करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उनको किन किन बातों पे उनको गौर करना चाहिए? एक तो फोकस बताएं, फोकस करना है कि एक चीज फोकस करें, तो और क्या क्या चीजें, और भी कोई पॉइंट्स है जो आप शेयर करना चाहें कि उनको इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए, इन सब चीजों पे उनको गौर करना चाहिए, और जिससे कि अच्छे डिजाइनर बने? देखिए, मैं तो इसी तरह एग्जांपल देना चाहूँगा, जब मैंने ज्वाइंट किया था तब मेरे दोस्तों का कहना या नेबर का कहना, फैमिली का कहना एक ही था कि डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग एक लड़कियाँ करती है। अरे ज़रूरी नहीं लड़कियाँ ही करती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, जेंट्स के भी काफ़ी रास्ते खुले हैं। आज मार्केट लाइन में सूरत टेक्सटाइल में देखोगे आप तो एक जेंट्स ही एक बड़ा एक ब्रांड लेके बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि लड़की है कर सकती है, पर आप उसके ऊपर फोकस लेके चलो। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे एम्ब्रॉयडरी डिजाइन में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आगे बढ़ना है, तो पहले से ही कोई भी एक फील्ड पकड़ के चलते जाओ, तो उसमें आपका 110% आपको सक्सेस मिलना ही है, ताकि लोग जानेंगे कि अगर मुझे ये चीज़ बनानी है तो इसी बंदे के पास जाना है। अगर किसी को गाउन बनाना है तो वो मेरे पास नहीं आएगा, गाउन के क्रिएशन वाले के पास जाएगा। अगर ब्लाउज बनाना है तो ऑब्वियसली मेरे पास ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने वहाँ पे एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया, मोनोपोली क्रिएट करना है इसी के अंदर। हाँ, आपकी कंपनी का मैं बोल सकता हूँ सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर यही है कि वंशिका क्रिएशन जो है वो ब्लाउज में एक्सपर्ट है। मयूर, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? जब बेसिक क्वालिफिकेशन मेरा तो सर ज़्यादा नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10 पास हूँ। 10 पास के बाद मैंने ये कोर्स ज्वाइन करना चाहा था, 10 पास के बाद मैं ये टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में लगा था, तो वहाँ बहुत कम सैलरी में लगा था, वहाँ से निकल के मैंने एक गोल नक्की किया था, उसके बाद जो मेरा हुनर है वो अच्छे लेवल पर अगर मुझे लेके जाना है तो मुझे ये काम नहीं करना, पहले वो करना चाहिए। 10th क्वालिफिकेशन मतलब मैं बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स तो सुन रहे हैं कि एक 10th पास करने के बाद और आप अपने करियर को सेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी करियर सेट कर लिया। जी आई थिंक ये 4-5 साल की जर्नी, 3-4 साल नहीं, मेरी जर्नी सर हो गई 2012 से। 2012 से, हाँ। है ना,
और मतलब उसके बाद आपने अपने करियर को इस तरह सेट कर दिया। हाँ। मतलब यहाँ पे जो है मुझे ये जानना है कि टेंथ करने के बाद भी क्या आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बढ़ सकते हैं। बस आपका एक फोकस होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए। जरूरी नहीं है अपने पास इन्वेस्ट हो तो ही अपने बिजनेस कर सकते हैं। मेरे पास भी कोई इन्वेस्ट नहीं था, मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था बिजनेस। बस आपकी क्रिएशन की अगर कदर होगी तो सामने वाले ही आपको ऊपर लेके जाएंगे। छोटी शुरुआत करनी चाहिए, बस वही से आपका स्टार्टअप होता है। फैशन डिजाइन। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं अपने शोकेस, आपको शोकेस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट, अपने क्रिएटिविटी को। ठीक है, फैशन शो का क्या योगदान रहा? सर, फैशन शो का तो योगदान यही रहता है। लास्ट 2 ईयर्स अगो मैंने IDT के साथ एक शो किया था, जो अनुपम सर का कॉल आया। बाद में मैंने एक डिजाइनिंग अपनी एक शो में डाली थी, तो एक सोच के नहीं डाला था, बस मेरा क्रिएशन एक स्टेज पे दिखना चाहिए। पर वही क्रिएशन वहाँ के जूरी को और मेरे क्लाइंट्स को इतना पसंद आया, तो उसी प्रोडक्शन से वही डिजाइनिंग से मैंने इतना प्रोडक्शन किया था जो काफ़ी लोगों को पसंद आया था, और वो मेरा 3 से 4 महीने तक वो प्रोडक्शन की लाइनअप चलती रही थी। फैशन शोज को मैं डिफाइन करूँगा, जहाँ तक अगर मैं बताऊँ इस चीज़ के बारे में, फैशन शोज के बारे में, कि फैशन शोज का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना कि फैशन डिजाइनिंग कोर्स का है। आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि आपने डिजाइन को, आपने शोकेस के एक आपको प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं। एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि अपने वो क्रिएटिविटी को वो शोकेस कर सकते हैं इंडस्ट्री के सामने। कि ई कॉमर्स अगर किसी भी स्टूडेंट को, कोई डिजाइनर को अगर लग रहा है कि मैं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो घर पर भी बना के खुद से, वो हाँ, घर पे मार्केट से वेस्टेज में से कुछ अच्छे फैब्रिक्स ला के उसको तोड़ मरोड़ के अच्छा डिजाइनिंग अगर वो कर सकते तो उसको डमी में पहना के आप व्हाट्सएप पे डालिए, अपने ग्रुप में डालिए, तो धीरे धीरे आपकी जितनी पहचान होगी उतना आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की ऐसे जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं मानता सर के घर से 5 लाख रुपए ले जाओ, 10 लाख रुपए ले जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, वो कोई मतलब नहीं है। सर, करोड़ रुपया भी डाल दोगे पर आपका हुनर नहीं होगा और आपकी पहचान नहीं होगी तो आपका कोई बिजनेस आपके काम का नहीं है। बिजनेस स्ट्रेटजी चलता है, मनी तो मैटर रखता है कि बाद में, पहले स्ट्रेटजी है आपका, स्ट्रेटजी है तो आपका क्रिएशन है और कितना आप रिक्वायरमेंट को, पब्लिक डिमांड को फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। एंड जब आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होते तो आपका खुद का डिमांड क्रिएट रहता है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है मयूर के साथ। और मैं एक और क्वेश्चन करूंगा बाद में कि अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि सैचुरेशन आ जाएगा फैशन डिजाइनिंग फील्ड में, ठीक है, कि काफी लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर काफी लोग कर रहे हैं तो वो घबरा से जाते हैं कि पता नहीं मेरा इस फील्ड में मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको किस रूप में आप देखते हैं? सर, करियर तो उनको पहले से ही गोल अपना रख के ही चलना पड़ेगा कि बिजनेस अगर आपको करना है या जॉब अगर करनी है तो आपके अंदर का टैलेंट जो है, सामने वाले जो कंपनी वाले हैं उनके हिसाब से जो क्रिएशन करके आप दिखा सकते हो, नो डाउट एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे, पर उस चीज़ को उसी तरह बनाओ जो उनके मार्केट से या उनके कस्टमर को चलती हो, उसके हिसाब से बनाओगे तो ऑब्वियसली आप पास आउट होने ही है। बिल्कुल, मैं टैलेंटेड अगर है, टैलेंट अगर आप में है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कंपटीशन तो हमेशा आनी है, हर कदम पे कंपटीशन है, आगे भी आने वाला है, आगे भी बहुत आने वाला है। लेकिन अगर टैलेंट है आपके अंदर तो आपको कोई टैलेंट है तो आपको कोई कस्टमर की जरूरत अपने आप कस्टमर आने हैं। कस्टमर को समझो, उसके रिक्वायरमेंट को, कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसकी सोच को समझना पड़ेगा, उसकी पसंद को समझना पड़ेगा। लास्ट में कुछ रैपिड क्वेश्चन हो जाए जी, कुछ जी मैं एक वर्ड बोलूंगा, ओके, और आपके माइंड में क्या आता है उसको आपको डिफाइन करना है। मैं देखना चाहूंगा कि आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग्स क्या चलता है, ओके, आपके माइंड में क्या चलता है, गोल यानी आज अगर मैं बिजनेस अगर समझ लो जिस लेवल पे कर रहा हूँ तो अगले साल
मुझे इससे 10% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, वो मेरा गोल रहेगा। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, करते ही जाना है। मस्ती मस्ती, क्लाइंट ही अपने दोस्त हैं, उनके साथ मस्ती मजाक करते हुए बिजनेस भी करते जाओ और मस्ती भी करते जाओ। डेट 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 इसी तरह चलेगी सर, डेट तो आती रहेगी कि भाई इस डेट को हमें प्रोडक्शन जो कंप्लीट करना है तो करना है, अगली डेट को ये लेवल तक ट्रांजेक्शन घुमाना है या प्रोडक्शन को बढ़ाना है। कमिटमेंट कमिटमेंट तो सर हमारे में सबसे पहले आता है। अगर हमने किसी को बोल दिया कि आपका पसंदी चीज़ जो बननी है वो 15 दिन में दूंगा या 10 दिन में दूंगा या 2 दिन में दूंगा, उसी समय पे अपने अगर उस कमिटमेंट पूरा करते हैं तो उसी को कमिटमेंट मैं समझना चाहूँगा। मैंने ये सारे जो वर्ड बोले थे, मुझे लगा था कि शायद आप कुछ बिजनेस से अलग हटके भी बोलोगे, लेकिन आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी और आपके बारे में आपके बिजनेस की बातें चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ दिन रात आप यही सोचते हैं। मैं बिल्कुल 100% मैं गारंटी दूंगा कि 100% मयूर के पास जो है बिल्कुल एक फोकस है और वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं। जी जी। दूसरे जो भी सुन रहे स्टूडेंट्स उनको ही मैं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ फोकस फोकस पे आप कंसंट्रेट करो, डाइवर्ट मत करो अपने माइंड को, मत करो और एक गोल लेकर चलो, गोल लेकर चलो और उसको आप फुलफिल करें, फुलफिल 100% आप आगे बढ़ेंगे। डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए और वो आज होना चाहिए आज कि होना मुझे आज के 3 साल बाद यहाँ तक जाना है, जाना कहाँ, उसके बाद क्या करना है और कहाँ तक जाना है। फिर हम मिलेंगे एक नए थॉट और वापस से जो आपने गोल बताया है कि मुझे और कुछ करना है, तो कुछ दिनों बाद वापस से फिर मिलेंगे, फिर हम उसकी जर्नी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये थे मयूर पाटिल और बहुत अच्छा लगा मयूर पाटिल से मिलके, और इन्होंने अपने कंपनी के बारे में जो इन्होंने नींव रखी थी और एक कंप्लीट जर्नी के बारे में बताया। तो फिर हम अगले एपिसोड मिलेंगे एलुमनाई सीरीज में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए एलुमनाई के साथ। नमस्कार।